Hello Taurus, welcome back to your channel Divine Bubble Tarot with me, your tarot reader Sushmita. आज हम करने वाले हैं आपका अगस्त 2022 कैसा रहने वाला है. So sorry. Okay. So please subscribe अगर आप यहाँ पे नए हैं तो आप जानते हैं कि आपको वीडियो को पॉज करके अब करना है, फोकस अपनी एनर्जीज को ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल मेरी तरफ से मिल सके मैसेजेस. और मेरी तरफ से एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है आप लोगों के लिए. वीडियो को एंड तक देखिए, जानिए वो गिफ्ट आपको कैसे मिल सकता है. एंड देयर इज सम स्पेशल कूपन कोड एंड डिस्काउंट ऑल्सो जो आपको मिलेगा वीडियो के बीच में ही. ओके टॉरस, देखते हैं अगस्त आपका 2022 कैसा रहने वाला है. लेट्स सी. डेथ. ओह ठीक है. अगस्त का महीना. ओके कोई फीमेल है आपकी लाइफ में डोमिनेंट है टॉरस, इसका मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखाई पड़ता है आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ अगस्त. ये एयर साइन हो सकती हैं, या आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी मदर, इनमें से कोई भी हो सकती है. बहुत सिग्निफिकेंट फीमेल है आपकी लाइफ में. ओके चलिए अभी शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के फॉर यू. एंड फर्स्ट कार्ड है मेरे पास जनरल एनर्जी में दी डेथ कार्ड. डेथ कार्ड मुझे बताता है कि चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में एक रीसेट मोड पे चल रही हैं. बहुत चीज़ें पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी हैं टॉरस, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं. ओके आई एम गेटिंग दिस मैसेज अ लॉट फॉर यू. जो हो चुका है उसको जाने दीजिए, जो हो चुका है सो हो चुका है. अपनी करियर को लेके आप बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं. हो सकता है आपका काम ही कुछ ऐसा है कि आपको बहुत सोचना पड़ता है एंड आप एक ओवरडोज पे हैं इस महीने में ऑन थिंकिंग. बहुत हाई एनर्जी है सोचने की टॉरस, ये मैं देख रही हूँ आपके लिए. नेक्स्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे कुछ काम करने का तरीका, कुछ प्रोजेक्ट, किसी चीज़ की एक एंडिंग हो सकती है. बहुत स्टेबल आप किसी चीज़ में थे, उसकी एक एंडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से भी आप काफ़ी सोच रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद में क्या करूँगा, है ना. एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं. ये कोई बिजनेस आइडिया भी हो सकता है जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं. अगर शेयर मार्केट की बात पूछें तो रिसर्च करना इस महीने अगस्त में वो आपके लिए बेटर रहेगा. कोई आगे जल्दी में स्टेप मत लेना, दैट इज देयर. सोचने की एनर्जी काफ़ी हाई, दैट विल बी गुड. एंड अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत सोच समझ के अपनी स्ट्रीम, फील्ड, कोर्स, कॉलेज के बारे में डिसाइड करिएगा. कहाँ कोचिंग लेनी है, क्या करना है, स्ट्रेटजी के बारे में आप बहुत सोचेंगे इस महीने. एंड सोचना ही एडवाइजेबल है अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं. अगर आप नौकरी पेशे में हैं तो एनर्जी मुझे काफ़ी न्यूट्रल दिख रही है. आपके सीनियर्स के साथ, आपके कोलीग के साथ जो आप काम कर रहे हैं, आप काफ़ी थॉटफुल रहेंगे. आइडियाज़ आपको बहुत अच्छे आ सकते हैं इस महीने. रिलेशनशिप की बात करें टॉरस, तो आईसी यहाँ पे एक रिलैक्सिंग और ब्रेक का पीरियड है. ध्यान आपका नहीं है फिलहाल रिलेशनशिप पे अगस्त के महीने में. कोई नई रिलेशनशिप आते हुए मुझे नहीं दिख रही है. जिस अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो उसमें शांति और प्यार जैसा बना रहेगा, न्यूट्रल रहेगा. ध्यान आपका ज़्यादातर आपके करियर डोमेन में है टॉरस. मैं अगस्त में ये देख को बता दूँ, वो चीज़ जो आपके लिए मैंने सोची है इस महीने वो ये है कि मैं सभी रीडिंग्स, जो ऑडियो मेरी रीडिंग्स होती हैं 30 मिनट्स की, देयर प्राइस है 2000 रुपीज़. मैं अगस्त के पूरे महीने में वो आई एम गिविंग इट ऑफ एट 50% डिस्काउंट. ठीक है, तो आप रीडिंग जो 2000 की है वो मुझसे 1000 में ले सकते हैं. 30 मिनट्स ऑफ टैरो रीडिंग सेशन विद मी ओवर कॉल आपको मिल सकता है सिर्फ 1000 रुपीज़ में. आपको बताना है डिवाइन बबल कोड. ठीक है, जब भी आप रीडिंग बुक करें तो कोड में बताइए डिवाइन बबल एंड देन यू कैन हैव दैट 50% डिस्काउंट. तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है. अगर आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं मेरे साथ रीडिंग बुक कराने का, तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ करिए और फर्स्ट टाइम आप मेरे साथ रीडिंग ले सकते हैं एट 50% डिस्काउंट. प्लस एक फ्री भी तो आपको चाहिए होगा, उसके बिना तो क्या मज़ा आया. कुछ लोग बोल रहे होंगे 50% डिस्काउंट के बाद भी
तो देखिए, अगर आप नए हैं, आपने मुझसे आज तक पर्सनल रीडिंग नहीं ली है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैं बिल्कुल फ्री करूंगी ऑन टेक्स्ट, बिल्कुल फ्री। फर्स्ट क्वेश्चन आपको सेम डिवाइन बबल कोड के साथ मैसेज करना है कि आपने ये कोड यूट्यूब पर देखा एंड यू वांट योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्री। ओके, मेरा व्हाट्सएप और ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर मुझे ये बताइए एंड देन वी विल हैव योर टैली। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ही काम में इन्वॉल्व हैं तो ये एक अलग केस बन जाता है। तो आप दोनों मिलके एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, आइडियाज़ की बौछार, भारी आइडियाज़, बहुत अच्छी एनर्जी है उसके लिए, रिलेशनशिप रोमांस को थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है। ये भी हो सकता है इसका मतलब कि आप दोनों जो है बहुत टाइम से काम में इन्वॉल्व थे, अभी दोनों एक वर्केशन टाइप का ब्रेक लेने का प्लान कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने, तो मैंने आपको बताया, कोई नया पर्सन तो नहीं दिखता। अगर आप किसी को अप्रोच करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगी फिलहाल के लिए रुक जाइए। हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, मैं देख रही हूँ आप कुछ लोगों के साथ वर्कआउट कर सकते हैं, ग्रुप में जा सकते हैं घूमने, योगा प्रैक्टिस वगैरह ऐसा आप कुछ कर रहे हैं, विच इज़ गुड। एंड आपकी लाइफ में ना जो अच्छे कोचेज हैं, जो अच्छे मेंटर्स हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए थी तो उनकी एंट्री भी मुझे होते हुए दिखती है इन हेल्थ टॉरस। अब भी देख लेते हैं कि आपका स्पिरिचुअल मैसेज क्या है। देखिए, रीडिंग काफ़ी नॉर्मल सी ही है ये टॉरस, कुछ खास चैलेंजिंग मुझे दिखी नहीं। बस एक जो एंडिंग है जो डेथ कार्ड के साथ दिखती है, दैट इज़ देयर, और ये मोस्टली आपके करियर में ही मुझे लगता है आने वाली है। दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट इट्स जस्ट दैट कि आपकी जो है ना डायरेक्शन अभी चेंज होने वाली है। देख लेते हैं आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेज क्या है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। क्रिएटिविटी, जैसा मैंने कहा था आपको कि बहुत, जिसे कहते हैं ना, आइडियाज बहुत अच्छे आएंगे आपको इस महीने इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, इन टर्म्स ऑफ करियर, बिजनेस। स्टूडेंट हैं आप, इस महीने का बनाया हुआ प्रोजेक्ट या स्टार्टअप के आइडियाज अगर जो आ रहे हैं ना वो लिख लेना, इस महीने आए हुए आइडियाज को जर्नल कर लो, मेरी तरफ से सजेशन है, बहुत बढ़िया रहेगा, लॉन्ग टर्म तक आप उसको यूज करते जाइए। बहुत डिवाइन आइडियाज आपको दिए जा रहे हैं इस महीने में। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करने के आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हैं। काफ़ी शॉर्ट और क्रिस्प प्रिडिक्ट किए टॉरस। देखिए, न्यूट्रल सी ही एनर्जी है, मोस्ट ऑफ द कार्ड्स में ज़्यादा कुछ चैलेंज मुझे दिखा नहीं आपके लिए, तो सिंपल ही रखा हमने रीडिंग को। आप और कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं, यू कैन बुक अ प्राइवेट रीडिंग विद मी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, बाय।